सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम कविता मंजरी। हिंदी साहित्य के महान कवियों की कृतियों को समर्पित इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए श्रीकांत वर्मा की ये कविता हस्तक्षेप। मगध इतिहास के शुरुआती 10 महाजनपदों में से एक, वर्तमान बिहार का इलाका। वहीं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की राजधानी थी। जब देश में लोकतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले, तब हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। बहुत सारे राजा शासन करते थे। वे सभी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ते रहते थे। उनमें से कई राजा न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाले थे, तो बहुत सारे अन्यायी थे। अपने राज्य का खजाना भरने के लिए प्रजा पर तरह तरह के कर यानी टैक्स लगाते रहते थे। कर न चुकाने पर उन्हें दंडित करते थे। प्रजा में भय का माहौल बनाकर रखते थे। मगध में सुख और शांति बनाए रखने के लिए प्रजा में खौफ भर दिया गया था। अनुशासन तोड़ने पर दंड का भय। राजा क्यों होता है? प्रजा का ध्यान रखने के लिए। उसकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे। अगर कोई बाहरी राजा आक्रमण करे या कोई असामाजिक तत्व उत्पात मचाए, प्रजा को सताए, परेशान करे, उसके कामकाज में खलल डाले, तो वो उसे ऐसा करने से रोके, उसे दंडित करे, चोर लुटेरों से उसकी रक्षा करे। हर नागरिक अपनी इच्छा से पूरी आजादी के साथ अपने काम का चुनाव कर सके और अपने ढंग से अपनी जिंदगी जी सके। मगर जब राजा खुद प्रजा में खौफ पैदा करने लगे, करों का बोझ लादकर परेशान करे, जनता पर अत्याचार करने लगे, राजा के भय से लोग अपना स्वाभाविक जीवन न जी सकें, तब इस कविता में ऐसे ही खौफ की बात है। आइए सुनते हैं श्रीकांत वर्मा की ये कविता हस्तक्षेप। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहां रहेगी, क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता, तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? श्रीकांत वर्मा ने मगध नाम का अपना काव्य ऐतिहासिक घटनाओं को केंद्र में रखकर लोकतंत्र की विसंगतियों को रेखांकित करने और नागरिकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाने के मकसद से लिखा था। हस्तक्षेप कविता उसी का एक अंश है। इस कविता में लोकतांत्रिक देश में
नागरिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया गया है। हस्तक्षेप कार्यक्रम कविता मंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कविता। वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता और नीरज शर्मा। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।